नमस्कार, आज हम बात करेंगे सरसों के तेल की, आपके घर में खाना बनाने के इस्तेमाल में आने वाले तेल की, यानी रिफाइंड ऑयल। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि खाद्य तेल की कीमतें भारत के अंदर, यानी कि सरसों ऑयल की और रिफाइंड ऑयल की, पिछले एक साल में 55% तक बढ़ी है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप किसी भी सामान्य परिवार से बात करेंगे तो ये एकदम डबल हुई है। यानी पहले जहां 100 रुपये का ऑयल मिलता था तो वो अब 200 रुपये का मिलने लगा। भारत में खाद्य तेल का व्यापार जो है वो 40,000 करोड़ रुपये का है, जो भारत में ही होता है, और जो बाकी का खाद्य तेल है वो विदेशों से आयात किया जाता है। भारत में इस साल 90 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 19.5% ज़्यादा है। पिछले साल 75 लाख टन के करीब उत्पादन हुआ था। भारत में एक सामान्य परिवार को पूरे साल भर में 20 से 25 लीटर खाद्य तेल लगता है, यानी कि उसके घर में इतने तेल का इस्तेमाल होता है। और भारत की जो डिमांड है खाद्य तेल की, जिसमें सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, वो भारत से पूरी नहीं होती है। उसके लिए विदेशों से, खासकर मलेशिया और इंडोनेशिया से खाद्य तेल आयात करना पड़ता है, तब जाकर भारत की डिमांड पूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत ने इस साल उत्पादन भी ज़्यादा किया है और भारत में कोरोना की वजह से जो खपत है खाद्य तेल की वो पहले के मुकाबले कम हुई है, तो फिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये दाम दोगुने हो गए? कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है जिसकी वजह से दाम आसमान पर है। इसका पहला कारण ये है कि पिछले साल 2020 में भारत सरकार ने कृषि कानून के साथ साथ एक और बिल पास किया था खाद्य सामग्री को लेकर, जो जितने ज़रूरी सामान होते हैं खाने के, उसको उस लिस्ट से, यानी कि सरसों के तेल को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया था। यानी कि अब सरसों के तेल को स्टॉक करने में बड़ी बड़ी कंपनियों को आसानी हो जाएगी। यानी कुछ कंपनियां अब स्टॉक कर रही हैं जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, एक ये कारण है। भारत में खाद्य तेल निर्माता कंपनियों में सबसे बड़ा नाम है फॉर्च्यून कंपनी का, जो कि अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप यानी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, अडानी विल्मर, और उसके मालिक का नाम है गौतम अडानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कहा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के चुनाव में गौतम अडानी बहुत भारी पैसा खर्च करते हैं, और जिसके बदले में अब सरकार उनको मदद करती है उनकी मर्जी के मुताबिक बिजनेस करने में। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, तब वो अक्सर अडानी के प्लेन में ही प्रचार करने के लिए जाते थे, और अब सरकार उनको उनकी मर्जी के मुताबिक नीतियां बनाने में हेल्प करती है, उनको बिजनेस करने में हेल्प करती है। यूं कहें कि मन माफिक बिजनेस करते हैं गौतम। एक थ्योरी होती है कि अगर किसी भी चीज़ के दाम बढ़ाने हैं तो उसकी पहले कमी पैदा की जाए, तभी तो उसके दाम बढ़ेंगे। तो भारत की सरकार ने वही किया, सरसों के तेल यानी कि रिफाइंड ऑयल की, खाद्य तेल की कमी क्रिएट करने के लिए सबसे पहला डिसीजन मोदी सरकार ने लिया कि तेल का आयात बाहर से बंद कर दिया। दूसरे देशों से जो खाद्य तेल आता था उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, मलेशिया से और इंडोनेशिया से। लेकिन इसमें बड़ी ही चालाकी से कच्चे तेल के आयात को नहीं रोका गया, यानी कि कच्चा तेल विदेशों से आता रहा, क्योंकि यहाँ देश के अंदर अडानी ग्रुप की बहुत सारी रिफाइनरी हैं जो कच्चे तेल से रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल निकाल कर उसको पैक करके फॉर्च्यून कंपनी के नाम से बेचती है। अगर कच्चा तेल मोदी जी आयात नहीं करते तो गौतम अडानी की कंपनी उसको रिफाइन करके महंगे दामों पर कैसे बेचते? तो कच्चे तेल को आने दिया ताकि गौतम अडानी और उन जैसे कई बिजनेसमैन जो मोदी सरकार के दोस्त हैं या नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, वो आराम से उसे रिफाइन करके और महंगे दाम पर भारत में उसे बेच सकें। खाद्य तेल को खरीदने में जनता की जेब पर जो असर पड़ रहा है, जो महंगा तेल जनता खरीद रही है, उसका सीधा फायदा देश की दो बड़ी कंपनियों को हो रहा है। पहली कंपनी है अडानी ग्रुप की, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर्च्यून कंपनी, अडानी विल्मर, जो सरसों का तेल बनाती है, रिफाइंड ऑयल बनाती है। और दूसरी कंपनी है बाबा रामदेव के पतंजलि की, रुचि सोया। इन दोनों कंपनियों को भारी मुनाफा हो रहा है। यहाँ मोदी सरकार ने बाबा रामदेव की कंपनी को फायदा कैसे पहुँचाया उसको समझते हैं। एक कंपनी रुचि सोया, जिसको बाबा रामदेव की कंपनी ने टेक ओवर किया। पहले ये रुचि सोया एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती थी, यानी कि उसमें सरकारी हिस्सेदारी होती थी, लेकिन उसको पूरी तरह से बाबा रामदेव के हवाले कर दिया। पूरे योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने रुचि सोया कंपनी को, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को, बाबा रामदेव के हवाले किया।
पहले तो सरकार ने एक प्लानिंग बना के रुचि सोया कंपनी को डुबोया, यानी कि उसको घाटे में लेकर गए। उसके बाद बाबा रामदेव ने उस कंपनी के लिए बोली लगाई। फिर भारत सरकार ने एक सरकारी बैंक से हेल्प करके, यानी कि लोन दिलाकर बाबा रामदेव को मदद की इस कंपनी को खरीदने के लिए, और उसके बाद ये कंपनी बाबा रामदेव की हो गई। और फिर शुरू हुई वो लूट, यानी कि सरसों के तेल के नाम पर, रिफाइंड ऑयल के नाम पर, जो अब तक चल रही है। तो दोस्तों, भारतीय बाजार के अंदर रिफाइंड ऑयल की, सरसों के तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। दो कंपनियों को फायदा हुआ, अडानी विल्मर की फॉर्च्यून और बाबा रामदेव की पतंजलि की रुचि सोया। इन दोनों कंपनियों के पास अब भारी मुनाफा है, खूब पैसे कमा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कैसे देश की जनता की जेब से पैसे निकालने के लिए भारत सरकार ने, यूं कहें मोदी सरकार ने, अपने दो दोस्तों को मदद की और उनको अमीर अमीर और अमीर बनाते चले। दोस्तों, ये सब बातें, ये सब मुद्दे आपको कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में इन्हीं कंपनियों का, यानी कि अडानी की कंपनी या बाबा रामदेव के एडवर्टीजमेंट, इनका बहुत सपोर्ट होता है, इनका बहुत दबाव होता है, तो वो न्यूज़ चैनल्स आपको ये बातें नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं ये मुद्दे आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे और किसी एक नई वीडियो के साथ।